तो पहाड़ पॉलिटिक्स में जिलों की जलेबी, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेता अब जलेबी बनाने लगे हैं। और आज के कार्यक्रम में हम यही बात करेंगे कि इस जलेबी की मिठास क्या जनता को मिल पाएगी या हर चुनाव में इसी तरीके की जलेबियां परोसी जाती रहेंगी। जी हां, उत्तराखंड में राजधानी बनाने को लेकर हर पार्टी दावा करती है जब तक वो विपक्ष में है। उत्तराखंड में हर पार्टी नए जिलों का निर्माण करने की बात करती है जब तक वो विपक्ष में है। जैसे ही ये पार्टियां सत्ता में आती हैं तो सब भूल जाती है। आज हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, इस चर्चा को आज हमने इसलिए मंच प्रदान किया है क्योंकि 4 तारीख, 12 तारीख और 14 तारीख और फिर 16 तारीख, ये वो तारीखें हैं कि जब उत्तराखंड में विशालकाय जनसभाएं हुई और इन विशालकाय जनसभाओं में बड़े बड़े भाषण हुए, बड़े बड़े भाषणों के साथ बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े दावे किए गए और इन दावों में कोई पीछे नहीं रहा। ना ही राहुल गांधी पीछे रहे, ना ही अरविंद केजरीवाल पीछे रहे और ना ही बीजेपी पीछे रही। सबकी अपनी अपनी बातें हैं, सबके पास अपने अपने प्रचार हैं, प्रसार हैं, साधन हैं, संसाधन हैं। दर्शकों, ये वैसा ही माहौल है जैसा किसी त्यौहार के वक्त आप बाजारों में निकलेंगे तो आपको सेल लगी हुई दिखेगी। हर दुकानदार कहता है कि इस सामान के साथ ये मुफ्त है, इस वक्त ये मुफ्त है, इस वक्त ये आपको सस्ता मिलेगा। वैसे ही ये जो चुनावों का त्यौहार है, इस चुनावी त्यौहार में पार्टियां भी आपके लिए बहुत कुछ परोस रही हैं। आपको जो चीज पसंद आएगी वो चीज चुन लीजिएगा। चुनेंगे कैसे? आपके पास वोट का अधिकार है। जैसे आपके पास जब पैसा होता है तब आप उस चीज को खरीदते हैं, ऐसे ही आज आपके पास वोट है, आप उस पार्टी को चुन सकते हैं। तो हर पार्टी अपने अपने लिए कुछ ना कुछ संभाल के रखे थी जो अब उसने अपने सामने आपके सामने खोल दिया है, पिटारे को खोलकर आपके सामने रख दिया है। ऐसे में आज बात करेंगे जिलों की जलेबी की कि अब अरविंद केजरीवाल ने जब 14 दिसंबर को यह बात कही कि वो 6 नए जिलों को बनाने जा रहे हैं, तो 6 नए जिलों को बनाने जा रहे हैं, नाम भी बताए हैं, काशीपुर, रानीखेत, डीडीहाट, कोटद्वार, रुड़की, यमुनोत्री। तो ये वो नए जिले हैं जिनका निर्माण आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम करवाएंगे। इसके बाद कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी? कांग्रेस ने कहा कि हम 6 नहीं, हम 10 जिलों का निर्माण कराएंगे। तो बीजेपी ने तंज कस दिया कि विपक्ष में है इसलिए इस तरीके की बातें हो रही हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। हालांकि 14 दिसंबर को सिर्फ यही बातें नहीं की गई, अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पलायन रोकने के लिए एक नया मंत्रालय ही बना देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 1,00,000 रोजगार देंगे, टूरिज्म का जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, विश्व के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बना देंगे उत्तराखंड को, 24 घंटे बिजली देंगे, हर महीने मुख्यमंत्री नया नहीं देंगे। ये तंज था बीजेपी पर कि हर महीने एक नया मुख्यमंत्री अब देखने को नहीं मिलेगा अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। तो कांग्रेस ने कहा है कि नए 10 जिले हम देंगे, तो 6 जिले बनाम 10 जिले और बनाम शून्य, शून्य है बीजेपी का कि बीजेपी ने अभी तक कोई भी दावा, कोई भी वादा अभी तक नहीं किया है, ना ही उन्होंने बताया है कि वो क्या कुछ करने जा रहे हैं, इसको काउंटर कैसे करेंगे। तो इसको काउंटर करने की जरूरत दरअसल बीजेपी को है ही नहीं। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे, अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि नया जिला बनाने के लिए दर्शकों 12 ब्लॉक होने चाहिए, मतलब 12 ब्लॉकों की जरूरत है नया जिला बनाने के लिए। कम से कम 3 से 4 हजार करोड़ का बजट होना चाहिए। अगर आप 6 जिलों की बात कर रहे हैं तो 3 से 400 करोड़ का बजट होना चाहिए। तो आपको अगर वो 6 जिले बनाती है तो कुल लगेंगे 1800 करोड़ रुपए, मतलब 3 से 400 करोड़ रुपए जो लगेंगे वो लगेंगे एक जिला बनाने में। और आम आदमी पार्टी 6 जिलों की बात कर रही है तो लग जाएंगे लगभग 1800 करोड़ रुपए, 1800 से 2000 करोड़ रुपए तक लग जाएंगे। और कांग्रेस के तो कहने ही क्या, अगर वो 10 जिलों की बात कर रहे हैं तो उनको कम से कम 35 से 4000 करोड़ रुपए लग जाएंगे 10 जिले बनाने में। तो ये पैसा कहां से आएगा, ये बड़ा सवाल है। पैसों का बंदोबस्त किस मद से किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। कौन से संसाधनों के जरिए खर्चा वहन किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। नई राजधानी, नए जिले, नई तहसील की बात आखिर विपक्ष चुनाव के वक्त ही क्यों करता है? सत्ता में आने के बाद कोई इस तरीके की बातें क्यों नहीं करता? गैरसैंण कब राजधानी बनेगी, ये भी एक सवाल है।
क्योंकि विपक्ष इन मुद्दों को भुनाता है। अभी ये उत्तराखंड की जनता भी समझने लगी है, क्योंकि विपक्ष ही हमेशा नए जिलों की बात करता है, विपक्ष ही हमेशा नई राजधानी देने की बात करता है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो इस तरीके की बातें नहीं कर पाता। इसके पीछे सवाल भी है कि क्यों नहीं करता, तो जवाब है कि दरअसल पेच बहुत हैं और इन पेचों पर कोई बात नहीं करता। पेच क्या है? पेच ये है कि हजारों करोड़ों का जो बजट लगेगा उसकी व्यवस्था कहां से होगी, हजारों करोड़ जो रुपया लगाना पड़ेगा उसकी व्यवस्था कहां से होगी, कौन से संसाधनों के जरिए ये पूरा बजट तैयार किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आज लेंगे, इसलिए इस चर्चा को रखा गया है। और दर्शकों, नया जिला बनाने के लिए 12 ब्लॉक होना बहुत जरूरी है। एक नया जिला बनाने के लिए 300 से 400 करोड़ रुपयों का खर्च होता है, ये कहां से आएगा पैसा, ये बातें बहुत जरूरी है, इन पर चर्चा बहुत जरूरी है। क्या ये बस हवाई बातें हैं, क्या ये बस घुमाऊ बातें हैं, क्या ये चुनाव के मद्देनजर की जाने वाली ऊपरी सतह की बातें हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब सुनने और कहने में अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, शायद ये भी है। तो इन सभी बातों पर चर्चा होगी, इन सभी बातों पर खुलकर आज बातचीत की जाएगी। हमारे साथ एक जबरदस्त पैनल भी जुड़ेगा, सारे पैनलिस्टों से आपका तारुफ कराऊंगा, आपका परिचय भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज बताना चाहूंगा कि आज नए जिलों की बात तो हो रही है लेकिन नया, एक नया, समझ रहे हैं आप, एक नया कैपिटल, मतलब राजधानी जिसको कि कहा जाता है कि परमानेंट राजधानी देंगे हम, कब मिलेगी? गैरसैंण में नई राजधानी बनाने की बात की जाती है, कब मिलेगी? विपक्ष तो हमेशा ये बातें करता है। बाकी तीनों पार्टियां जो दमदारी के साथ इस वक्त उत्तराखंड के चुनाव मैदान में हैं, वो क्या कुछ कह रही हैं? तीनों पार्टी के तीनों कलेवर, तीनों बयान, तीनों चेहरे, तीन बाइट सुनिएगा जरा। ये बहुत समय से डिमांड चल रही है 6 नए जिले बनाने के लिए, काशीपुर, रानीखेत, डीडीहाट, रुड़की, यमुनोत्री, कोटद्वार। ये काशीपुर जिला बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? सरकार बनने के एक महीने के अंदर ये 6 के 6 जिले बना देंगे। जिस दल की सरकार नहीं बननी है उसकी बात का संज्ञान ले रहे हो हैं? वो तो कहेंगे हम जिले बनाएंगे, तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। कांग्रेस जिम्मेदार विपक्ष है, हम भविष्य में सरकार बनाने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कितने जिले बनाए? कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही, उसने किसने रोका था बनाने के लिए? आज जब वो विपक्ष में होती है तो राजधानी की बात भी करती है, नए जिलों की बात भी करती है, नई तहसीलों की बात भी करती है। जब वो सत्ता में होती है तो ना राजधानी की बात करती है, ना नए जिलों की बात करती। तो तीनों ही पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहले आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, 14 दिसंबर को काशीपुर में उन्होंने ये भाषण दिया था, जिस भाषण में उन्होंने घोषणा की कि 6 नए जिले बनाए जाएंगे अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आती है। दूसरे थे प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष, इनका कहना है कि 6 नहीं 10 बनाकर दे देंगे। फिर तीसरे थे मदन कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने तंज कस दिया। तो जो सत्ता में है वो तंज करेंगे और जो विपक्ष में है वो बातें करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि वो 10 नए जिले बनाकर देंगे, इससे पहले तो कांग्रेस ही थी, 10 जिले तब क्यों नहीं दिए गए, एक जिला भी क्यों नहीं दिया गया? पेच बहुत है, पैसा कहां है, किस मद से पैसा आएगा? अरविंद केजरीवाल जी 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात करते हैं, 1,00,000 नौकरियां नई देने की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की बात करते हैं, टूरिज्म सेक्टर को दुरुस्त करने की बात करते हैं और साथ ही साथ 6 नए जिलों की बात करते हैं। कहने सुनने के लिए अच्छा है, कितना प्रैक्टिकल है इसको भी समझना आवश्यक है कि क्या सच में 1800 से 2000 करोड़ का खर्च वहन किया जा सकता है उत्तराखंड, बड़ा सवाल है, इसका जवाब भी लिया जाएगा। प्रवक्ता जुड़ेंगे हमारे साथ जिनसे हम पूछेंगे ये सवाल, जो आज मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ पूछता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड पूछ रहा है कि क्या ये ऊपरी बातें, क्या ये ऊपर ऊपर की लेयर वाली बातें, क्या ये सियासी बातें, इनसे जनता का भला होगा? क्या नए जिले की जलेबी खिलाकर जनता से वोट लिए जा सकते हैं? क्या नए जिलों के नाम पर जनता को भ्रमित किया जा रहा है? क्या चुनावों से पहले माहौल बनाने के लिए नए जिलों का वादा रूपी टॉनिक जनता को पिलाया जा रहा है? क्या बीजेपी केवल तंज के सहारे बड़ी बातें कर सकती है?
ये कई सवाल हैं जिनके जवाब तो पूछ रहा है पूरा उत्तराखंड। ऐसे में हमारे साथ पैनल जुड़ेगा, मजबूत पैनल। आप सभी का तारुफ कराता हूं, एक बार परिचय करा देता हूं। अमरजीत सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, अमरेंद्र बिष्ट साहब हैं आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ पवन तोमर साहब हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है पूछता है उत्तराखंड में। तो सबसे पहले तो अमरजीत सिंह जी आप ही के पास आना चाहेंगे। अमरजीत सिंह जी, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम 6 जिले देंगे, आप कह रहे हैं हम 10 जिले देंगे। 10 जिले देने के लिए लगभग कम से कम 4,000 करोड़ का खर्चा आएगा। कहां से निकालेंगे 4,000 करोड़ का खर्चा? वो कौन सा संसाधन है जहां से ये खर्चा वहन किया जाएगा? पैसों का बंदोबस्त किस मद से किया जाएगा? जवाब दीजिएगा जरा। देखिए, पहले भी आपने कहा कि जब सरकार विपक्ष में होते हैं, मतलब विपक्षी जो होते हैं, वो इस प्रकार के वादे करते हैं। आपको मैं याद दिला दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी तब यही हरीश रावत थे जिन्होंने 100 करोड़ रुपए इसी मत के लिए रखे थे, जो नए जिलों का गठन होना उस पर विचार करने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और उसके बाद आपको मालूम है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के दुष्कृत के कारण हमारी सरकार चली गई, वरना जो कांग्रेस कहती है वो करती है। और आज की बात करें तो आज अगर हरीश रावत ने ये बात कही है कि हम 9-10 जिले देंगे, तो हम इस बात को मजबूती से कहते हैं कि हम जिले देंगे। यहाँ पर जिलों की आवश्यकता भी है, जिले भी बनेंगे, तहसीलें भी बनेंगी, ब्लॉक भी बनेंगे, और पैसा किस मद से आएगा? सरकार बनेगी और मजबूती से हम अपना विचार करेंगे, केवल हवाई जुमले नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरह या अरविंद केजरीवाल की तरह आए और स्पिट एंड रन, केवल थूके और चले जाएं, दौड़ जाएं, दूसरा साफ करता रहे। हमारी सरकार बनेगी और मजबूती से हम देखेंगे किस मत से पैसा आएगा, हम जो कह रहे हैं वो करेंगे भी। और रही बात इसमें, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात किया था आपने गैरसैंण की बात को लेकर के, वहां पर भी हमने कहा ऐसा नहीं कि आते ही हम लोग जो है गैरसैंण को राजधानी बना देंगे या नए जिले बना देंगे। सरकार बनते ही हम प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से धन इकट्ठा किया जा सकता है, राजस्व इकट्ठा किया जा सकता है, और किस मत से पैसा लिया जा सकता है, जिससे कि हम अपने किए विवादों को जनता को पूरा करें। और निश्चित रूप से आपको मैं आश्वस्त करता हूं और हमारे जो साथी यहां बैठे हैं, जुमलेबाज जो केवल जुमलों पर राजनीति करते हैं, मैं आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हम जो वादे कर रहे हैं वो पूरे भी करेंगे। ठीक है, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया? जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने 6 नए जिलों की बात की, आपने 10 की बात कर, तो 6 बेहतर है कि 10 बेहतर है? देखिए, हमने पहले भी बात करी थी, हमने पहले भी 6 की बात करी थी, 2015-16 में बात की थी। मैं पहले भी कह रहा हूं आपको, हमने इस पर 100 करोड़ रुपए हमने खर्च भी किए थे, आयोग बनाया था कि वो जांच करेगा कितना पैसा हमें लगना है। ये बात ठीक है आपकी कि नए जिले बनाने के लिए आप कह रहे हैं 300-400 करोड़, लेकिन हमारा मानना है कि लगभग 150-200 करोड़ रुपया प्रति जिले में बनाने के लिए इतना खर्च हमें अतिरिक्त करना पड़ेगा। और निश्चित रहिए आप, और निश्चिंत रहिए, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनते ही हम इसका करेंगे इंतजाम, और सरकार भी बनेगी और हमारे नए जिले भी बनेंगे। ठीक है, अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा है कि काशीपुर, रानीखेत, डीडी हाट, कोटद्वार, रुड़की, यमुनोत्री, ये नए जिले बनाए जाएंगे, तो इसके अलावा आपके पास और कौन कौन से नए जिले हैं? हमने नरेंद्र नगर की बात करी, हमने परोला की बात करी है, हमने डीडीआर रानीखेत आपने बात की है, काशीपुर की हमने बात की है, ऐसे कुल मिलाकर के हमारे 9 है जिले जो बनेंगे, कोटद्वार उसमें प्रमुख रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैं वही पूछ रहा हूँ, 6 जिलों के अलावा कौन से जिले हैं आपके पास? आप गिनिए, कोटद्वार है, नहीं कोटद्वार तो अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया कि काशीपुर, रानीखेत, डीडी हाट, कोटद्वार, रुड़की, यमुनोत्री, ये 6 तो हो गए, बाकी और कौन से 4 नए जिले आप बनाने जा रहे हैं? नरेंद्र नगर भी है, परोला भी है उसमें, मैंने आपसे कहा डीडी हाट भी है, काशीपुर भी है उसमें, चलिए अलावा एक मिनट, चलिए भी है, गैरसैंण को भी हमने आपसे कहा कि जिला भी बनेगा, राजधानी बनेगी। ठीक है, अमरेंद्र बिष्ट जी के पास आएंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अमरेंद्र जी, ये बताइएगा कि आप अभी तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी फेज में है उत्तराखंड में, ठीक है, इंट्रोडक्टरी फेज में है, अपना परिचय करवा रहे हैं वहां पर लोगों को, लेकिन आपके जो वादे हैं और जो आपके दावे हैं वो कहने सुनने के लिए तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नजर से देखें तो ज्यादा सही मायने में ठीक नहीं लग रहे। आप कह रहे हैं कि 6 नए जिले बना देंगे, आप कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे, आप कह रहे हैं कि 1,00,000 नए रोजगार दे देंगे, आप कह रहे हैं कि पलायन रोकने के लिए नया मंत्रालय बना देंगे, आप कह रहे हैं कि 24 घंटे बिजली देंगे,
और आप कह रहे हैं कि जिसको रोजगार नहीं दे पाएंगे उसको 5,000 रुपए उस परिवार को महीना देंगे। तो ये वादों की जो झड़ी लगाई है आपने, लगता नहीं कि थोड़ा ज्यादा हो गया? बिल्कुल नहीं लगता कि ये ज्यादा हो गया, ऐसा सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को लगता होगा, क्योंकि और बुरा भी उन्हीं को लगता है, जैसा आपने कहा कि कुछ ज्यादा लग रहा है। तो ये और ये कोई कोरे वादे नहीं है, ये संकल्प है। अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता के संकल्प, जिन्होंने जो कहा वो किया। तो निश्चित तौर पर चूंकि उत्तराखंड की हर वर्ग को लेकर के उन्होंने संकल्प दोहराया है, चाहे महिलाओं को लेकर 1,000 रुपए की जो आप बात कह रहे हैं, चाहे बेरोजगार को लेकर के रोजगार गारंटी की बात हो, या चाहे रोजगार भत्ते की बात हो, चाहे सभी अन्य लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरी है, उनके लिए उन्होंने कोई ना कोई जन कल्याण की बात कही है। और चूंकि चर्चा जिलों को लेकर के है, और जिलों को नए जिलों की भी उन्होंने बात कही, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस बात को लेकर के कह रही है कि वो जिला बनाने के पक्ष में है। और बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, तो उस समय उन्होंने जिले को बनाने की दिशा में कुछ हलचल पैदा भी की, लेकिन वो उसको बना नहीं पाए। अब कांग्रेस भी कह रही है कि हम 9 जिले बनाएंगे, और हमारी पार्टी अपने संकल्प को दोहरा चुकी है। तो बीजेपी और कांग्रेस, इनको पिछले 21 सालों में इन्होंने राज किया उत्तराखंड के अंदर, लगभग बराबर बराबर दोनों ही पार्टियों को काम करने का यहाँ अवसर मिला। लेकिन जब इनको अवसर मिला, तो इन्होंने इस दिशा में, जिलों को बनाने की दिशा में कोई काम नहीं किया। और जैसे ही चुनावी वर्ष आता है, चुनाव को 3 महीने होते हैं, ये जिलों का जिन ये बाहर निकल आता है, और ये जिलों की बात करने लग जाते हैं। और अभी मैं जिलों की बात तो आप कर रहे हैं, आपने कही तब कांग्रेस ने भी बात रखी, अब तो कह रहे हैं कि हमको अवसर मिलेगा तो हम इस काम को करेंगे। लेकिन इनको तो अवसर मिल चुका है, 9 जिलों की ये बात कहते हैं, जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं। मैं तो बता रहा हूँ, अमरजीत भाई अच्छी तरीके से जानता हूं। अच्छा, ये समझाइए, 6 जिले कैसे प्रैक्टिकल है और 9 जिले 10 जिले कैसे प्रैक्टिकल नहीं है? क्योंकि एक जिला बनाने में 300 से 400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, एक जिले में कम से कम 12 ब्लॉक होने चाहिए, तब वो जिला बन पाएगा। निश्चित तौर पर हमको कोई नई यूनिट अगर बनानी है, जिलों का पुनर्गठन अगर करना है उसमें, और ये आपने बहुत सही बात कही अपनी रिपोर्ट में कि जिलों के पुनर्गठन से पहले ब्लॉक का पुनर्गठन होना है। तो जब पुनर्गठन की सारी प्रक्रिया होगी, नई यूनिट बनेगी, तो उसमें खर्चा होगा, और बड़ा खर्चा होगा, 200-250 करोड़ खर्चा कम से कम होगा। तो ये खर्चीला है, लेकिन अब चूंकि व्यय ज्यादा होगा, पैसा दिल्ली से लाएंगे, तिलक चावला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिलक चावला जी, हमारे तो ये राजनीतिक मौसम में जो घोषणाओं की झड़ी लगी, हमारे तो उत्तराखंड के नेता, क्या ये सिर्फ जुमलेबाजी तक सीमित रह जाएगी, या सच में ऐसा कुछ कर सकते हैं, या फिर सक्षम है, ऐसा कुछ हो सकता है? दिल्ली से जी तिलक जी, हमारे तो लोकल नेता बात कर रहे हैं। अमरजीत जी चक्राता छोड़िए, कोटद्वार छोड़िए, अभी मैं हकीकत बताता हूँ क्या है, काम आएगा आप लोगों के भी, और आप दोनों काबिल प्रवक्ता है। 2011 का जिक्र करता हूँ, थोड़ी 21 साल का इतिहास, 2011 का जिक्र करता हूँ, और 15 अगस्त वो तारीख थी, रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री हुआ करते, परेड ग्राउंड में उन्होंने 4 नए जिलों की घोषणा की। कितने? 4 नए जिले। अरविंदर जी, अमरजीत जी, गलत हूंगा तो करेक्ट करिएगा, ठीक कर रहे हैं। 21 सालों में एक भी नया जिला नहीं बन पाया। अमरजीत जी, सवाल पहला आपसे, क्योंकि आपने कहा कि 9 नए जिलों का निर्माण हम करेंगे, और हम काम पूरा करके चले गए। अब मुझे और उत्तराखंड की आवाम को यह बताइए कि आपने नए जिलों के गठन की वकालत तो की, बनाया क्यों नहीं?
तिलक चावला जी, आपको मालूम है मैंने पहले भी कहा है, जब हरीश रावत की सरकार थी तब 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी नए जिलों के गठन के लिए। उसके बाद क्या हुआ, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कैसे दुष्कृत करके हमारी सरकार को गिराया, आप इस बात को समझिए। उसके बाद समय भी नहीं रहा और फिर जो है इनके जुमलों की वजह से हरीश रावत की सरकार गई और आज भारतीय जनता पार्टी है। पिछले 2011 में वो 2011 में ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं, 2011 में चार नए जिलों का निर्माण ऐलान किया मुख्यमंत्री ने। या तो वो मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे थे या आधिकारिक रूप से आप लोग झूठ बोल रहे हैं। आप दो बातें कर रहे हैं, हरीश रावत की बात कर रहे हो तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने पैसे की व्यवस्था की थी। अगर 2011 की और निशंक की बात करते हो तो उसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता यहाँ, तो ये इसका उत्तर नहीं दे सकते। आप बिल्कुल आप उत्तर नहीं दे सकते ना। आप मुझे एक 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 सेकंड, अरविंदर जी आप, आपसे मेरा एक सवाल है। आपके नेता एक वकालत करते हैं और बार बार पुरजोर तरीके से कहते हैं कि ये लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए। आपने कहा 6 नए जिले, 6 नए जिलों में मालूम है आपको कितने अधिकारियों की पहुंच, यानी आप अधिकारियों के भरोसे इस राज्य को चलाना चाह रहे हैं, आप ये समझा रहे हैं हमें। और आप दिल्ली में कहते हैं कि हम जनप्रतिनिधियों को मौका दीजिए, हम जनप्रतिनिधि विकास का मॉडल तैयार करेंगे, और आप अगर उत्तराखंड में 6 नए जिलों की वकालत कर रहे हैं तो आपको अधिकारियों की फौज खड़ी करनी है। इसका मतलब यह हुआ राज्य के ऊपर और दबाव पड़ेगा और बोझ पड़ेगा और उत्तराखंड का बच्चा बच्चा कर्जदार है इस वक्त। आप बताइए मॉडल क्या है आपका। देखिए तिलक भाई, नए जिलों के पुनर्गठन की जो अरविंद केजरीवाल जी की भावना है वो भावना बहुत स्पष्ट है कि उत्तराखंड एक पहाड़ी जिला है और वहाँ एक जिले का जो बड़े बड़े उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो उनको ये लगता है, उनकी उनकी ये भावना है कि छोटी छोटी यूनिट होंगी, लोगों को बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो जनप्रतिनिधि आपने कहा ना अधिकारियों की फौज, आपको तो मालूम है ना एक जिला बनाएगा कितने अधिकारियों की फौज खड़ी होगी। निश्चित तौर पर अगर नया जिला बनेगा तो उसके लिए जितना एक बड़े जिले में अधिकारी बैठते हैं वो छोटे जिले में भी प्रत्येक स्तर पर वही अधिकारियों की जरूरत होगी, डीएम की जरूरत होगी। अच्छा, दिल्ली में ये फॉर्मूला अपवित्र दिखाई देता है आपको, उत्तराखंड में ये फॉर्मूला पवित्र दिखाई देता है ना। नहीं, मैं दिल्ली में इस फॉर्मूले को लेकर के क्या है मैं ये नहीं कह पाऊंगा, लेकिन उत्तराखंड में मैं बता रहा हूँ आपको, चूंकि पहाड़ी पहाड़ी जनपद है और पहाड़ी जनपद को अपने काम करवाने के लिए जिला मुख्यालय तक जाना पड़ता है और जिला मुख्यालय बहुत दूर होता है। अभी मैं आपको अपनी बात बताऊं तिलक भाई, मुझे 215 किलोमीटर दूर अपने जिले मुख्यालय जाना पड़ता है जिला पंचायत की बैठक में, क्योंकि मैं जिला पंचायत का भी सदस्य हूं। तो निश्चित तौर पर इतनी दूरी तो दिल्ली की है, इतनी देर में तो हम लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं जितनी देर में मुझे टिहरी पहुंचना पड़ता है अपने गाँव से। तो निश्चित तौर पर अरविंद जी की ये भावना है कि नजदीक छोटी छोटी यूनिट को जो जनप्रतिनिधि है उनको नजदीक को अपना काम करा सके। लेकिन मैं साथ में ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि जो आपने 2011 की माननीय मुख्यमंत्री निशंक जी की घोषणाओं की बात की, चूंकि मैं टिहरी जिले से आता हूँ और यहाँ पर ये जो यमुनोत्री वाला पुरोला वाला जिला है, उस समय तकरीबन ये झगड़ा हो गया था कि भाई यहाँ जिला मुख्यालय को लेकर के लोगों में झगड़ा हो गया। पुरोला वालों ने कहा कि यहाँ पर हमारे यहाँ बनेगा, यमुनोत्री वालों ने कहा कि बड़कोट में बनेगा। और निशंक जी ने तो ये वो जो आप कह रहे तिलक भाई, निशंक जी ने तो ये तक कह दिया था बड़कोट वालों की आप घर जाइए, आपको रिसीव करने वहां डीएम और एसएसपी आएंगे। तो उन्होंने कहा था कि हमने डीएम एसएसपी तैनात कर दिए, तो बताइए वो आज कहाँ है, वो जिले में बता देंगे डीएम कहाँ है, वो एसएसपी। अब ऊपर से कांग्रेस अब कह रही है कि वो 9 जिले बनाएंगे। तो आज तक कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही तो 9 जिले क्यों नहीं बन पाए। आप ये बताइए कि जिला पुनर्गठन आयोग लगभग मिले जिलों बनाने की परिकल्पना थी, आप एक दो चीजें बता दीजिएगा। झूठ बोलने से नहीं होगा अमरजीत भाई, ठीक है मैं भी आपके हम एक पार्टी में रहे, लेकिन झूठ बोलने से बात नहीं बनने वाली। फिर कह रहा हूँ
भारतीय जनता पार्टी ने कैसे दुष्कृत किया और हमारी सरकार को गिराया, आप इन सब बातों को भूल गए। मैं तो कह रहा हूं उनकी मंशा बड़ी साफ थी और इस साफ मंशा को करते हुए उन्होंने 100 करोड़ रुपए इस मद में रखे भी थे, इसको इसकी व्यवस्था के लिए। हमारी मंशा 21 साल में एक नया जिला नहीं बना अमरजीत जी, 21 साल में एक नया जिला नहीं बना, एक नया जिला, एक नया जिला। पवन जी एक सेकंड, पवन जी ऑडियो आ रहा है? जी जी सुन पा रहा हूँ। पवन जी 6 नए जिले और 10 नए जिले, 6 नए जिले केजरीवाल जी बना रहे हैं और अमरजीत जी कह रहे हैं 10 नए जिले। मैंने इनसे ये कहा कि सत्ता में रहते हुए बीजेपी ने 4 नए जिले बनाने की वकालत की थी, वो आज तक नहीं बन पाए, आप कैसे बना लेंगे? सवाल गलत तो नहीं था ना पवन जी? बिल्कुल, देखिए ये जनता, उत्तराखंड की जनता पूरी तरह से जानती है कौन विकास कर सकता है उत्तराखंड का और कौन नहीं कर सकता। अभी केजरीवाल जी ने जो काशीपुर में 14 तारीख को घोषणा की है 6 जिलों की, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जब घर में कोई शादी होती है तो उस शादी के लिए पूरा इंतजाम, एक बजट तय होता है कि कितना बजट हम शादी में खर्च करेंगे, क्या इन्होंने उत्तराखंड में जिले बनाने के लिए एक बजट तय किया है? और यदि वो बजट तय किया है तो बजट कहां से लाने वाले हैं? दूसरी बात, केजरीवाल जी कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं ये आपको और इस जनता को और खास तौर पर दिल्ली की जनता को मालूम है। आज जो केजरीवाल जी, जब कोरोना काल था, कोरोना काल के समय में आपने देखा होगा केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए थे, देखिए मैं जी पवन जी, आप ये कह रहे हैं ये भी जुमले छोड़ते हैं, ये बिल्कुल जुमले में बिल्कुल झूठ बोलते हैं और ये उत्तराखंड की जनता झूठ में आने वाली नहीं है, बिल्कुल झूठ में ना आने वाली नहीं है। इनके पास कोई योजना नहीं है, इनके पास कोई किसी किस्म की कोई भी, मैं समझता हूँ किसी किस्म की कोई योजना अगर ये बता दें, अभी आप पूछ रहे थे एक भी प्रश्न का ये जवाब नहीं दे पाए। अभी केजरीवाल जी ने दिल्ली में एक वादा किया था जब कोरोना काल था कि साहब यहाँ हम पूरी की पूरी तरह से इलाज कराएंगे, जब कोरोना पूरी काल पे आया तो उस समय केजरीवाल जी ने हाथ खड़े कर दिए कि हम बाहर का ओके अरविंद जी अपनी बात रखिए, नहीं तो मेरा एक सवाल है पवन जी आपसे, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? झूठ बोलते हैं और उत्तराखंड की जनता इस प्रपंच में। पवन जी एक सेकंड बेसी की बात सुन लीजिए, बेसी बोलिए। तिलक भाई देखिए, चूंकि कांग्रेस ने 9 जिले बनाने की बात की और हमने 6 जिले बनाने की बात की, लेकिन भाजपा के बुद्धिजीवी प्रवक्ता को देखिए, उन्होंने कांग्रेस को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं की, उन्होंने केजरीवाल जी को लेकर के टिप्पणी की, तो आप समझ सकते हैं मेरी बात अभी वही पूरी कहां है, ऐसा तो मेरी बात कहां है पहली बात। दूसरी बात, भाजपा के प्रवक्ता जी ने उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल जी की घोषणा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं, आपने ही अभी उल्लेख किया कि परेड ग्राउंड से पूरे उत्तराखंड की जनता के सामने इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री ने, इनकी पार्टी के मतलब निशंक जी ने यह घोषणा की कि जाइए 4 जिलों के लोग, आप लोग अपने घर जाइए और वहां आपको डीएम और एसएसपी रिसीव करने आएंगे, जिले बन गए हैं। कहां है डीएम और एसएसपी, कहां है पवन जी, कहां है जिले, वो 4 जिले कहां है जो घोषणा की माननीय मुख्यमंत्री ने? झूठ बोलते हो, आपके आपकी पार्टी जो है उसके जो पूरे ब्लड में झूठ है, उनके बातों पर घोषणा कर रहे हैं क्या? पूरे आप मतलब परेड ग्राउंड के मंच से झूठ बोलेंगे आपको और फिर दूसरे को छोटा ठहराएंगे, चले ठीक है चलिए। अमरेंद्र जी ठीक है फुल स्टॉप अमरेंद्र जी रुकिए थोड़ा, ठीक है इसको 1-to-1 मत कीजिए, 1-to-1 मत कीजिए अमरेंद्र जी, थोड़ा सा रुकिए अब ठहरिए थोड़ा सा, ठीक है अमरेंद्र जी, ठीक है पवन तोमर जी, अमरेंद्र जी ठीक है इसको 1-to-1 मत कीजिए। पवन तोमर साहब ये बताइए कि अगर आम आदमी पार्टी कहती है कि हम 6 जिले बनाएंगे, कांग्रेस कहती है हम 10 नए जिले बनाएंगे, इसके साथ ही साथ अगर आम आदमी पार्टी कहती है कि हम 1 लाख रोजगार देंगे, उनका कहना है कि 50 से 60 हजार रोजगार तो आज भी है, वैकेंट है, वैकेंसी है, लेकिन आप उसको भरवा नहीं पा रहे, 1 लाख रोजगार देंगे वो, अगर नहीं भी दे पाए तो वो गारंटी कार्ड दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर रोजगार नहीं मिला तो उस परिवार को 5,000 रुपये महीना देंगे, तो इससे आप क्यों डर रहे हैं?
देखिए हम ना डर रहे हैं और ना भागने वाले हैं, हमने इस उत्तराखंड का विकास किया है, करते रहेंगे। 1,00,000 करोड़ रुपए अभी हमने विकास की योजनाओं में लगाए हैं और जो अभी योजनाएं हमारी चल रही हैं, अभी आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार भी रही है। यदि ये इनकी मनसा सही होती तो क्यों नहीं जिले बनाए इन्होंने पहले। पवन जी दूसरी बात, पवन जी ये बताइए, पलायन भी एक बड़ा मुद्दा है, पलायन को लेकर भी ये बात कर रहे हैं, पलायन रोकने के लिए नया मंत्रालय बनाने की बात कर रहे हैं, तो आपने तो कुछ भी नहीं किया ना उसके लिए। पलायन रोकने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ किया गया? अगर इनके पास कोई मसौदा है, इनके पास कोई ब्लूप्रिंट है तो ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है। देखिए देखिए भाई साहब, हमने कर्णप्रयाग तक रेल मार्ग प्रशस्त किया है। अब जो जनता, उत्तराखंड की जनता कभी रेल देखी भी नहीं होगी, मैं देख रहा था अभी उस बच्चे बाहर आकर के वो रेल देखते हैं और आज ये एक सपना पूरा हुआ उत्तराखंड का। कितनी सारी योजनाएं हमने यहाँ पर लागू की। दूसरी बात, विकास की गंगा हमने यहाँ पर बही। मैं पूछना चाहता हूँ इन दोनों पार्टियों से, अभी केजरीवाल जी तो कहीं क्या कहें, बताइए, भी नहीं है, दूर तक भी नहीं है, अभी आपने देखा होगा। ठीक है, पलायन रोकने के लिए आपने क्या किया? अगर ये मंत्रालय की बात कर रहे हैं, आपने क्या किया ये बताइए, वो तो समस्या बदस्तूर जारी है ना। देखिए देखिए, पलायन रोकने के लिए हमने रेल कर्णप्रयाग तक रेल का मार्ग प्रशस्त किया, हमने वहां पर रोजगार दिया, हमने वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको वहां पर तरह तरह के रोजगार उपलब्ध कराए। हमारी जो जितनी भी छोटी यूनिट है हम वहां लगाने के प्रयास कर रहे हैं, कुछ लगी भी है, लेकिन लेकिन इससे पूर्व अभी आप मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि ये जो है हमारी सरकार पूरी रीति से भाजपा सरकार ने घेर दी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, यदि इनमें इतनी भी क्षमता नहीं है कि अपनी सरकार कैसे चलाएं, हमारे बनाने से हमारे घेरने से सरकार चलेगी क्या इनकी? जब दोनों ये तो ये भी आरोप लग रहा है कि अगर अगर इनको वोट दिया गया, इनकी सरकार बनाई गई, तो एक ही मुख्यमंत्री का चेहरा रहेगा 5 साल। अगर आपकी सरकार बना दी गई गलती से भी, तो कह रहे हैं कि हर महीने एक नया चेहरा मिलेगा मुख्यमंत्री का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है। अपना मामला कैसे, एक मुख्यमंत्री बदल देना, या अपना मामला कैसे हो रहा है? मैं बता रहा हूं, लेकिन उन्होंने स्वीकारता से नहीं, मतलब मुख्यमंत्री बदलना अपना मामला है, इसको थोड़ा समझाइएगा विस्तार से, ब्रीफ कीजिए इसको। भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता का नाम तय किया है और वो शायद स्वीकार किया है, लेकिन कांग्रेस ने एक मुख्यमंत्री, आपने देखा होगा पंजाब के अंदर, ये निर्णय नहीं ले पाए। तो हम जो आप उत्तराखंड की बात करो ना, अगर दोबारा आपकी सरकार बनती है तो इसी तरह मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलते रहेंगे, क्योंकि यह तो आपका अंदरूनी मामला है। देखिए, हमारा हमारा काम इस उत्तराखंड को विकास की ओर ले जाना है, जो हम कर रहे हैं। मेन मकसद मुख्यमंत्री लगातार बदलने, हम कर रहे हैं, ये पूरी वहां की जनता जानती है, पहचानती है, और पार्टियों ने क्या किया ये भी जानती है। हमारा जो विकास है वो विकास बदस्तूर जारी रहेगा, इनकी बातों में अब जनता आने वाली। अगर बदस्तूर जारी था आपका विकास, तो आपको मुझे बताइए त्रिवेंद्र सरकार को बदलना पड़ा, मुझे बता दीजिए थोड़ा सा। एक बात ये मैंने बता रहा हूं, नहीं, विकास किस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अच्छा विकास हो रहा था? त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत या फिर पुष्कर सिंह धामी? आप आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के कर्मचारी कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का ही तो मुख्यमंत्री, इनके नेतृत्व में, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में विकास की गंगा आगे रहेंगे। आपको क्या पक्ति है इसमें? सुनिए, हम किसको मुख्यमंत्री बनाए, किसको नहीं बनाए, आपको इसमें क्या दिक्कत है? जनता तो पूछेगी ना सवाल, दिक्कत तो है, जनता तो सवाल कर रही है ना। इस तरीके से अगर बार बार मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं तो इसके पीछे तर्क क्या है, जवाब क्या है? अगर विकास हो रहा था तो बदले क्या चाहती है इस जनता? जनता नहीं चाहती, ये जो मोदी सरकार का विकास होता है, ये जनता किस प्रकार से मोदी जी और शाह जी के नेतृत्व में, चलिए ठीक है चलिए ठीक है, ये विकास की गंगा किस तरह से बहाई जा रही है ये पूरी जनता जानती है,
हमारा मकसद है उत्तराखंड को विकास की ओर ले जाना, जो हम कर भी रहे हैं और ये हो भी रहा है, वहां की जनता हमसे संतुष्ट भी है। ठीक है, चलिए अमरजीत सिंह जी कराता हूं। पूरी तरह से इस जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने नकार दिया। ठीक है अमरजीत सिंह, आप पर आता हूं। अमरजीत सिंह जी ये बताइएगा कि आपने कहा है कि नए जिलों का पर्चा, मैं बार बार पूछ रहा हूं कि कहां से आएगा खर्चा, इसको थोड़ा समझाइए कि राहुल गांधी ने, जब राहुल गांधी आए थे तब उन्होंने इस बात को खुलकर क्यों नहीं रखा था? आपने जब अरविंद केजरीवाल ने ये बात कह दी कि 6 नए जिले बनाए जाएंगे, उसके बाद आपने ये बात रखी कि हम 10 बना देंगे, तो ये तो उस तरीके से मालूम पड़ रहा है कि कॉम्पिटिशन इस हिसाब का हो रहा है। आप 6 बोलेंगे, हम 10 बोलेंगे, कल बीजेपी बोलेगी हम 15। क्या मतलब जो अरविंद केजरीवाल कह के जाएंगे या अन्य नेता कहेंगे, क्या राहुल गांधी का उन पर आकर टिप्पणी करना जरूरी है कि राहुल गांधी आप कहेंगे? नहीं नहीं, मैं जिलों की बात कर रहा हूं। मैं जिलों की, उन्होंने 6 कहे, आपने 10 कह दिए, नहीं तो फिर इसमें राहुल गांधी कहां से बीच में आ गए कि उन्होंने जिक्र क्यों नहीं किया इसके लिए? राहुल गांधी कहां से? राहुल गांधी आपके सबसे बड़े नेता हैं, आप मान रहे हैं उनको? नहीं नहीं, आप मान रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता मान रहे, लेकिन नहीं नहीं, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा तो उन्होंने क्यों नहीं कहा उस जिलों के बढ़ाने की बात? यार उसको बढ़ाने की बात अगर की है तो रावत जी ने की है। रावत जी हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, वही यहाँ का विकास करेंगे। यहाँ का विकास करने के लिए हमें कोई मुख्यमंत्री दिल्ली से आयात नहीं करना पड़ेगा। रावत जी भी कहते हैं कि उनके कैप्टन राहुल गांधी हैं। नहीं तो कैप्टन ही तो बोला है उनको, लेकिन अगर पैसा कुछ आएगा वो तो हम राज्य स्तर लेंगे ना, वो तो उसकी व्यवस्था तो राज्य से करेंगे, या केवल केवल प्रधानमंत्री मोदी देंगे उसका पैसा जब हमारी केंद्र सरकार होगी? जी मोदी जी ने दिया भी है, मोदी जी ने उत्तराखंड के लिए दिया। खुलकर बताइए 4,000 करोड़ रुपए का बजट कहां से आएगा, आज बता दीजिए। उत्तराखंड के लिए दिया भी है। अगर आपने बोला है कि 10 जिले बनाएंगे तो कम से कम, मैं बता रहा हूँ, कम से कम 4,000 करोड़ लगभग लगेगा, तो वो बताइए 4,000 करोड़ रुपए कहां से आएगा? कुछ तो बताइए, थोड़ा सा इशारा तो करिए ताकि जनता विश्वास करे। कांग्रेस की सरकार बनने दीजिए ना, आप बात तो सही, कांग्रेस की सरकार बनेगी या निश्चित रूप से हम व्यवस्था करेंगे? बनेगी फिर आप निश्चित रूप से करेंगे, वो ठीक है, वो कहने के लिए ठीक है, लेकिन कुछ तो होगा ना, कुछ तो ऐसा बताइए जिससे लोग माने कि ठीक है ये प्रैक्टिकल हो सकता है, ये महज सपना नहीं हकीकत भी हो सकती है। नहीं होगी हकीकत, होगी वो ठीक है, आम आदमी पार्टी तो गारंटी कार्ड भी बांट रही है। आम आदमी पार्टी होगी, कैसे होगी? बांट रही है आम आदमी पार्टी 1,000 रुपया महिलाओं को बांट रही है, 5,000 रुपए ये बांट रही है, तो केवल और केवल जो हरीश रावत कह रहे हैं ये उसको नए तरीके से परोस रहे हैं जनता के बीच में। अपने तो कोई दूरदृष्टि इनके पास है नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा ये उनका काम केवल है स्पिट एंड रन, थूको और भागो। इनका इनको इनको पता है कि इन्होंने सत्ता में नहीं आना किसी भी सूरत में। आम आदमी पार्टी एक भी सीट जो है उत्तराखंड में नहीं ला रही, लेकिन केवल और केवल जुगनों से किस प्रकार से भरमाया जाए। अरविंद सुन लो, आप दिल का खुश रखना है, रखे जाइए, क्या हर्ज है उसमें? ये तो तमाम सर्वे आ रहे हैं, तमाम लोगों के बीच में हम लोग जाते हैं। आम आदमी पार्टी, मैंने पहले भी कहा, ये सत्ता में आ नहीं रही केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की भूमिका निभाने के लिए आई है। इनका काम केवल और केवल वोट कटवा पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर ये कर रहे हैं। इनको कोई वादों से मतलब नहीं, केवल और केवल जुमलों से मतलब है। केवल हर बार आओ और एक नया जुमला उत्तराखंड में देकर चले जाओ। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस निश्चित रूप से जो कह रही है उसकी व्यवस्था भी करेगी, और किस रूप में करेगी वो कर लेगी। इसके लिए हमें आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग सक्षम है, हम लोग कर लेंगे। पूछने की आवश्यकता नहीं है, जनता को जवाब देने की तो आवश्यकता हो सकती है ना, तो जनता को जवाब देंगे ना समय आने पर। मैं तो कह रहा हूँ सरकार बनेगी, हम जनता को जवाब भी देंगे और अपनी जो बात कह रहे हैं, मतलब अभी कुछ सोचा, अभी मतलब कुछ सोचा नहीं है, कुछ गणित नहीं लगाया है, देखिए बोला है ऐसे नहीं। अगर हरीश रावत कोई बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई उसका आधार है। केवल उन्होंने, मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी की तरह या आम आदमी पार्टी की तरह केवल जुमले कसने वाले नहीं है। हरीश रावत ने अब तक जो भी कहा, मतलब हरीश रावत जी ने व्यक्तिगत तौर पर कहा है तो उन्होंने सोचा भी होगा व्यक्तिगत तौर पर, जाहिर बात है। वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको सारे मतों का पता है, उनको सारी अर्थव्यवस्था का पता है उत्तराखंड की। ठीक है, अमरजीत सिंह जी आप प्रवक्ता है कांग्रेस के, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आप आए हुए हैं, आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि हरीश रावत जी ने सोचा है तो उन्होंने कुछ सोचा ही होगा, सोच समझ कर ही बात कही होगी। सोचा नहीं, तो हरीश रावत का व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत सोच है, जैसे कि उन्होंने कहा था कि दलित मुख्यमंत्री को वो देखना चाहते हैं, यहाँ पर दलित चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर। वो दलित चेहरे को देखना नहीं चाहते, उन्होंने यूं कहा कि भाई कोई भी उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बन सकता है। इससे तो जब तुलना करी गई थी चन्नी की, तब उन्होंने कहा था कि अगर चन्नी जी बन सकते हैं दलित के रूप में पंजाब के मुख्यमंत्री, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं बन सकता, संभावनाएं हो सकती हैं। यहाँ पर केवल मतलब उत्तराखंड कांग्रेस जो है वो दलित चेहरे को ही मुख्यमंत्री बनाएगी, दलित चेहरे को मुख्यमंत्री ही नहीं बनाएगी, मैं आपसे कह रहा हूँ, हो सकता है
दलित भी हो सकता ठीक है हो सकता है, मतलब 10 जिले की बात जो हरीश रावत जी कह रहे हैं वो भी हो सकती है, बिल्कुल होगी बात पूरी। मैं कह रहा हूं हमें पूर्ण विश्वास है, अगर हमारा नेता कोई इस बात को कह रहा है वो उसे पूर्ण करने की क्षमता भी रखता है और रखेगा भी और करेगा भी। ठीक है, चलिए तिलक जी आप कुछ सवाल करना चाहते हो? पवन जी मेरा सवाल आपसे है, आपने एक काविंद्र के सवाल का जवाब दिया और काफी दिलचस्प सवाल का जवाब था आपका, आपने कहा कि पलायन रोकने के लिए आपने कर्णप्रयाग तक रेल मार्ग बना दिया। आपके यहाँ रेल पुरुष है, रेल पुरुष जानते ना सर कौन है रेल पुरुष? रेल पुरुष जी सुन रहा हूँ सर, जानते हैं ना रेल पुरुष? देखिए मुस्कुरा रहे हैं बीच जी, रेल पुरुष रेल पुरुष करके हैं जी? नहीं नहीं सर मैं थोड़ी ना बोलता हूँ, तो खुद ही पोस्टर लगवा देते अपने आगे रेल पुरुष कहते हुए, उनसे पूछिएगा सर वो कर्णप्रयाग तक रेल अमरजीत जी बता नहीं पाए बोले ना। नहीं नहीं तो योजना तो कांग्रेस लेके आई ना, आपकी बात नहीं अमरजीत जी, योजना तो कांग्रेस लेके आई है, सुनिए ऑल वेदर रोड की विषय हो रही है बदला वो योजना कांग्रेस। हाँ तो रेल पुरुष जी से पूछ लीजिएगा पवन जी कि वो कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है उसकी सच्चाई क्या है, वो आपको बैठा कर समझा देंगे रेल पुरुष। अब मैं आता हूं मुद्दे पर, आपने कहा कि ये जुमलेबाजी जो अरविंदर जी कर रहे हैं, बिश जी कर रहे हैं, अमरजीत जी कर रहे हैं, चलिए ये जुमलेबाजी है मैं मान गया आपकी बात। 2012 में लोकायुक्त क्यों नहीं आया, वो भी एक जुमलेबाजी थी, खंडूरी जी का सपना पूरा नहीं किया आपने, वो अलग विषय हो गया, त्रिवेंद्र जी ने क्यों नहीं किया वो त्रिवेंद्र जी बता देंगे। लेकिन 2011 में निशंक जी के 4 नए जिले बनाने का ऐलान परेड ग्राउंड से हुआ, वो सपना क्यों नहीं पूरा किया त्रिवेंद्र जी ने, ये बता सकते हैं सर? देखिए स्टेप टू स्टेप हम जो है कार्य करते जा रहे हैं जी। अभी आपने देखा होगा दोनों मेरे भाई एक जी 6 जिले की बात करता है तो दूसरा 10 जिलों की बात करते हैं, मैं तो सिर्फ 4 जिलों की बात उनसे कार्य अभी माने निशंक जी ने जो घोषणा की थी उन पे कार्य एक तरह से हमने अंदरूनी शुरू कर दिया था। इसके बाद बहुत सारी विकास की योजनाएं हम यहाँ पर लेकर आए हैं, इसमें कुछ समय भी चाहिएगा। बीच में कांग्रेस की जो जुमलेबाजी थी इन जुमलेबाजी को 4 नए जिले क्यों नहीं बने मैंने वो पूछा, तो 5 साल में क्यों नहीं बना आपने पवन जी? 5 साल में क्या है मेरी बात सुनिए, अब अमित शाह आकर एक कहते हैं वो बता रहे हैं कि खंडूरी जी क्यों नहीं 4 नए जिले बना पाए, देवेंद्र जी क्यों नहीं बना पाए, नीरज जी क्यों नहीं बना पाए, राम जी क्यों नहीं बना पाए, वो बता रहे हैं ना। 5 साल में हमने क्या किया पवन जी बताइए, जनता को बताइए ना पवन जी, बताइए ना मैं क्या किया 4 नए जिलों का ऐलान किया वो जुमला होना कि नहीं, 4 नए जिलों का ऐलान निशंक जी ने किया वो जुमला था या नहीं? नहीं बिल्कुल जुमला नहीं था, हमारी नियत बिल्कुल साफ है। 4 नए जिले और हम अगर वो जुमला नहीं था छोड़िए सब लोकल छोड़िए 15 लाख छोड़िए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो जुमला नहीं था तो कहाँ 4 नए जिले? देखिए जैसे अभी अभी मेरे भाई कह रहे थे कि हम कर सकते हैं जिले बना सकते हैं, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि सरकार अपनी व्यवस्था नहीं बना पाए, अपनी योजना नहीं बना पाए, अपनी स्थिति नहीं बना पाए, दूसरी कि हम बना लेंगे नहीं बता रहा हूँ कि अपनी स्थिति नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं, मैं तो बता रहा हूँ जी। नहीं मुझे बताइए एक बात बताइए, क्या हम विपक्ष में बैठकर कह सकते हैं कि हम बना देंगे? जाहिर बात है हम कहेंगे हम बनाएंगे, हरीश रावत जी ने क्यों नहीं बनाया, हरीश रावत जी बता देंगे। पवन जी आप बताइए ना कार्य क्या है, ये आप जानते हैं मैं भी जानता हूँ और यहाँ की जनता भी जानती है, और हमें क्या नहीं किया ये भी आप जानते हैं, जनता भी जानती है। पवन जी बोगड़ा जी भी बता देंगे कितना विकास हुआ, ये बोगड़ा जी भी बता देंगे, मैं कह रहा हूँ स्कूटर के नंबर भी मिल जाएंगे आपको। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए 4 नए जिले आखिरकार आपने क्यों नहीं बनाए, कुछ तो वजह होगी ना। अगर एक मुख्यमंत्री मंच से खड़ा होकर घोषणा कर दे कि मैंने 4 जिलों फिरा दिए, उसके बावजूद वो 4 जिले नहीं बने, आपके 4 मुख्यमंत्री चले गए, क्यों नहीं बने वो 4 जिले? हमारा जिला बनाने में हमारा सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है इस उत्तराखंड को विकास की ओर ले जाना। तो मतलब जिले बनाने से विकास नहीं होता? हम किस तरह जिले बनाने से विकास नहीं होता? तिलक भाई इनसे पूछिए किस विकास की बात कर रहे हैं, अस्पतालों की व्यवस्था आप बेहतर जानते हैं क्या हाल रहा कोरोना काल में, आप स्कूलों की व्यवस्था देख लीजिए, किसानों को पैसा नहीं मिल पा रहा, मुझे कोरोना काल भी मालूम है तो आपका काल भी मालूम है,
आपका कर भी मालूम है सर, आप मुझे समस्या वही है, सवाल जो है सरकार आपने कोरोना काल में किसका साथ दिया, हमारे पे सवाल उठाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री पर सवाल उठाने के लिए आपने किया क्या है कोरोना काल क्या किया आप भूल गए हरिद्वार में क्या किया आप लोगों ने और भारत प्रकार से किस प्रकार से झूठे आंकड़े किस प्रकार से रिपोर्टें बनाएगी ये जब जाहिर हमें बता रहे हैं आप हमें बता रहे हो आपने सुनिए आपने क्या किया एक सेकंड एक सेकंड पवन जी एक सेकंड बाबा जी मुद्दे पे आए नहीं जनता को 2012 से आप कहां की बात कर रहे हो 2012 से आप अपनी उपलब्धियां बताइए ना क्या उपलब्धियां रही आपकी 5 साल की आप नहीं दे सकती एक बार एक सेकंड पवन जी बहुत छोटा टाइम है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप निशंक जी गए खंडूरी जी आ गए त्रिवेंद्र जी गए तीरथ जी गए धामी जी आ गए अब धामी जी की भी गारंटी नहीं लेकिन एक बात बीच जी आप बताइए 6 जिलों से विकास हो जाएगा उत्तराखंड का हो जाएगा 6 जिले बनाने से जी तिलक जी हरमिंदर बिस्ट जी मैंने कहा जी जी से विकास हो जाएगा उत्तराखंड का देखिए विकास का सिर्फ जिले बनने से विकास नहीं होगा विकास के लिए विकास करने के लिए मतलब सर्वांगीण सोच को लेकर के हम आगे चल रहे हैं और अलग 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 ये बता दिया था केजरीवाल जी को जब वो घोषणा कर रहे थे उनको बता दिया था कि जिले बनाने से विकास नहीं होता नहीं हम ये नहीं कह रहे कि जिला उत्तराखंड की जो खासकर जो पहाड़ का जो भूगोल है उस भौगोलिक हिसाब से जिलों का बनना औचित्यपूर्ण है ऐसा नहीं कह सकते कि औचित्यपूर्ण नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा पवन जी की बात पर आना चाहता हूँ मुझे बहुत हैरानी हुई उनकी ये बात सुन करके कि उन्होंने इस बात को कहा कि जिला बनाना हमारी प्राथमिकता पर नहीं था तो यदि प्राथमिकता पर नहीं था नहीं, नहीं, नहीं। गलत आप गलत बोल रहे हैं उन्होंने कहा जिला आपने कहा आपने कहा जिला बनाना हमारी प्राथमिकता पे नहीं था मैंने ये बिल्कुल हमारी प्राथमिकता पर विकास है मैंने कहा हमारी इस विकास को आगे बढ़ाना ठीक है अगर जिला बनाना प्रायोरिटी में नहीं था तो परेड ग्राउंड से और मुख्यमंत्री ने फिर उसकी जिलों की घोषणा क्यों की भाई जब उनकी प्रायोरिटी के थे नहीं तो मुख्यमंत्री ने घोषणा की उनकी पहली बात दूसरी बात कैसे संभव हो सकता है पवन जी मैं करेक्ट कर देता हूँ 11 साल में आप उन जिलों की बात करना ही भूल गए आप कह रहे हैं कि हम उन जिलों की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं तो आप तो बात करना ही भूल गए ना कोई आपके चुनावी एजेंडे में भी हो नहीं है आप इस जिले बनाने के लिए कहां से धन की व्यवस्था करेंगे कहां से अधिकारियों की फौज लाएंगे जिले बनाने से ये हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ जाएगा क्या अभी उत्तराखंड अभी आप सुनिए पवन जी अभी वही सब जा रहा उत्तराखंड में और कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि दिल्ली हमारे मैं यहाँ का मालिक हूँ और जब ये आपत्ति पड़ी भीषण आपत्ति पड़ी तब उन्होंने हाथ खड़े कर दिया कि प्रधानमंत्री जाने में तो कुछ कर ही नहीं सकता कुछ कर ही नहीं पा रहा आज उनकी बातों पर उत्तराखंड की जनता कैसे विश्वास करेगी पवन जी सुन लीजिए बिच्छी आपने कहा कि निशंक जी ने ऐलान किया बहुत आपको भी याद है निशंक जी ने 15 अगस्त को ऐलान किया था 4 नए जिलों का ऐलान किया था उसके बाद बवाल हुआ था क्या पुरोला में हुआ था यमुनोत्री में हुआ था वो सबको मालूम है मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा था आपने कहा कि निशंक जी ने किया तो त्रिवेंद्र जी ने क्यों नहीं किया अब आप उम्मीद करते हैं कि त्रिवेंद्र जी उनका सपना साकार करेंगे आप समझ रहे हैं ना सब समझ रहे हैं त्रिवेंद्र जी और निशंक जी का सपना साकार करेंगे वो एक अलग विषय हो सकता है कि क्यों आखिरकार 4 नए जिले जब खुद मुख्यमंत्री ऐलान करके गए तब भी नहीं हुआ और आज 6 जिलों की बात कर रहे हैं और 10 जिलों की बात कर रहे हैं
आप जनता को बेवकूफ समझते हैं आप लोग? कोई आधार है, कुछ रोडमैप है, या फिर केजरीवाल जी आए और भाषण देकर चले गए? जब निशंक जी की ऐलान किया हुआ मुख्यमंत्री की कैबिनेट में वो मंत्री है जिन्होंने कहा था कि मैं अगर घोषणा पूरी नहीं हुई जिलों की, पवन जी लिख रही थी, उन्होंने कहा था कि मैं धरने पर बैठ जाऊंगा, आज वो आपकी कैबिनेट में मंत्री है, नाम बताऊं क्या उनका? अरविंदर विजी, अब बोलिए आप। अरविंदर बिश जी लग रहा है जन भावनाओं का विषय। उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड के लोग लंबे समय से अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिलों की मांग कर रहे हैं, और इसको इस मांग को, जो जिलों की यह मांग है, उसको खारिज नहीं किया जा सकता, और उसको प्राथमिकता में भी दूसरे नंबर पर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वास्तव में पहाड़ी जनपदों में जिलों को, नए जिलों के गठन की मांग बिल्कुल जायज मांग है। पहली बात, अमरेंद्र जी एक बात बताइएगा, ठीक है अमरेंद्र जी एक बात बताइएगा, आपने कहा अमरेंद्र जी, ठीक है, आपने कहा कि उत्तराखंड में लोग अलग अलग जगहों पर नए जिलों की मांग कर रहे हैं, आपने भौगोलिक स्थिति के बारे में भी बताया, आपने कहा कि औचित्यपूर्ण है कि नए जिलों का निर्माण किया जाए, ऐसे में एक बात बताइएगा जरा सोचने समझने वाली, कि 6 जिले औचित्यपूर्ण है या 10 जिले बनाना औचित्यपूर्ण है या फिर 4 जिले बनाना औचित्यपूर्ण है, कितने जिले बनाना औचित्यपूर्ण है आपकी नजर में? अगर 10 जिले बनाना भी ठीक है तो आप 10 जिलों की बात क्यों नहीं करते? नहीं देखिए, उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में अभी भी आज की डेट में भी इस बात को लेकर के मांग उठ रही है, तो जहां से ये बताइए 10 जिले बनाए जा सकते हैं? नहीं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि 10 बनाए जा सकते हैं कि नहीं बनाए जा सकते, 6 बनाए जा सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मेरी पार्टी, मैं जिस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में चैनल पर हूँ, तो मेरी पार्टी का संकल्प है, मेरी पार्टी की गारंटी है, मेरी पार्टी की वो घोषणा है, तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी को अगर गारंटी क्या होती है, गारंटी का मुझे बता दीजिए। ये कोई निशंक जी, राजनीति में अमरजीत सिंह जी कह रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं होती है, वो कह रहे हैं कि दावे होते हैं, वादे होते हैं, लेकिन गारंटी नहीं होती। आप कौन सी गारंटी की बात कर रहे हैं? अमरजीत सिंह जी तो बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहे हैं कि बातें कर दी है, कोई गारंटी नहीं है। देखिए अमरेंद्र जी, अमरजीत सिंह जी बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं होती। आप नए हैं उत्तराखंड में, अमरजीत सिंह जी की बातों पर ध्यान दीजिएगा। अमरजीत सिंह जी खुलकर कह रहे हैं ईमानदारी के साथ कि कोई गारंटी नहीं होती। आप नए हैं, थोड़ा संभल कर चलिए। मैं इनसे पूछ रहा हूं, गारंटी का शब्द जो है इतना साफ नहीं है कि वो गारंटी दे सके। जी के प्रवक्ता जवाब देकर गारंटी हैं और जुमले भेजते हैं और बात चुनाव के बाद वो कह देते हैं कि हम तो जुमलेबाजी करते हैं। गारंटी देना उनके बीजेपी कांग्रेस की बस की बात नहीं है। नहीं, ये बताइए, ठीक है वो हो गया, ठीक है ये बताइए, 6 जिले और 10 जिले, अगर 10 जिले भी औचित्यपूर्ण है, गारंटी अमरजीत भाई आप यकीन मानिए पूरी गारंटियां पूरी होंगी। गारंटी क्या गारंटी? उत्तराखंड की जनता को अरविंद केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, जनता के बीच में लोकायुक्त लोकपाल की बात करके आए थे, गारंटी क्या है आपकी? गारंटी कैसे देते हैं आप, थोड़ा समझाइए। गारंटी तो हर पार्टी दे रही है, हर पार्टी कहती है कि हम सत्ता में आए तो ये मिल जाएगा, हर पार्टी कहती है कि हम सत्ता में आए तो ये मिल जाएगा। आपकी गारंटी क्या है? गारंटी को समझाइए थोड़ा कि कैसे गारंटी, मतलब स्टैंप पेपर पे लिखवा के दे रहे हैं क्या? जी नहीं, हम गारंटी का एक कार्ड है, कोई भी जो हमारा वो कह रहे थे कार्ड मैं भर के दे रहा हूं, गारंटी का एक कार्ड होता है, हम घर घर जा करके, और चूंकि अब रोजगार गारंटी का मैं उदाहरण देता हूँ, मैंने अपनी विधानसभा में लगभग 8,000 नौजवानों का रोजगार का गारंटी कार्ड बनाया। तो हम अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो गारंटी के लिए कहां जाएगा आदमी? दिल्ली नौकरी करने जाएगा? प्रत्येक दिल्ली में नौकरी देंगे? अगर उत्तराखंड में वादा पूरा ना कर सके तो क्या यहां का रोजगार लेने के लिए नौकरी मिल जाएगा? खंड में हमारी सरकार बनी तो गारंटी कार्ड कह लीजिए उसे, चाहे मैनिफेस्टो की एक कॉपी कह लीजिए उसे, गारंटी कार्ड कह लीजिए या फिर मैनिफेस्टो की एक पत्रिका कह लीजिए, वो तो पहले भी बढ़ती आ रही है, वो आप भी बांट रहे हैं, उसका औचित्य क्या है गारंटी कार्ड का? कौन सी गारंटी का बात कर रहे हैं? हम बाकायदे कार्ड देकर के आते हैं और हम ये कहते हैं हमारा गारंटी कार्ड है, कल के दिन यदि आप आकर के हमको पकड़ सकते हैं हमारे घर, ऐसा तो नहीं है नहीं, ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना कि चुनाव जब खत्म हो जाएंगे तो आप कह देंगे कि गारंटी खत्म हो गई गारंटी कार्ड की? संकल्प के साथ लोगों के बीच अरविंदर जी एक काम करिए ना, एक काम करिए, दूसरी बात थोड़ा सा अरविंदर जी,
अरविंदर जी एक काम करिए, एक एक, एक 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 बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको। राजेंद्र ने बहुत दिलचस्प सवाल पूछा आपसे, एक इसका रास्ता तलाश लेते हैं। ये भी घोषणाएं ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। आपकी जो गारंटी है एक्स वाई जेड जो घोषणा पत्र है, आप कोर्ट में एक एफिडेविट बनाकर दाखिल कर दीजिए और कहिए कि अगर ये हमने गारंटी पूरी नहीं की, हम सत्ता में आएंगे तो जनता हमारे ऊपर मुकदमा कर दे अगर हम ये गारंटी पूरी ना कर पाए। क्या ये हो सकता है बीच? तिलक भाई आजकल एक दिलचस्प किस्सा हुआ। आजकल कांग्रेस पार्टी के एक नेता हमारी हैं जी, देखिए तिलक जी इनके पास कोई जवाब नहीं है। आजकल मैं एक किस्सा बता रहा हूँ आपको, इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये तो खाने सुनाने के लिए यहाँ बैठ गए हैं। चलिए ठीक है, हाईकोर्ट हमारे उत्तराखंड हाईकोर्ट में चले गए। चलिए ठीक है अमरेंद्र जी, आपके गारंटी कार्ड के साथ यहीं पर रुकेंगे। समय की कमी के कारण आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, एक छोटी सी कहानी के साथ आज पूछता है उत्तराखंड के इस खास शो का समापन करेंगे। कहानी यह है कि एक जंगल में भेड़ों की सभा लगती है। उस सभा को आयोजित किया जाता है शेर की तरफ से। तो शेर कहता है कि कुछ दिनों के बाद यहां पर सभी को मखमली रजाई मिलेगी, मखमली गद्दे मिलेंगे। सभा खत्म होती है, भेड़ वापस जाते हैं। तो एक भेड़ दूसरे भेड़ से पूछता है कि ये मखमली रजाई मखमली गद्दे आएंगे कहां से। तो वो पूछता है जब, तो उसके सवाल का जवाब देता है दूसरा भेड़ और कहता है कि ये जो मखमली रजाई और मखमली गद्दे बनेंगे, ये दरअसल हमारी ही खाल को उतरवा के बनाए जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ होता है चुनाव से पहले, चुनाव के बाद और चुनाव के मध्य में। तो यही सियासत है और यही सियासत का नया लोकतंत्र है, जो कि राजतंत्र से अलग तो दिखता है लेकिन अलग होता नहीं है। फिलहाल के लिए शुक्रिया।